हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस स्टॉक पर पहले शायद 3,250 के ऊपर बाय करने को सजेस्ट किया था और लगभग 3,500 रुपए का टारगेट मैंने दिया था, वो कि अचीव हुआ है। अब आगे क्या रणनीति स्टॉक में हो सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास करूँ तो स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन के सहारे जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक। और अगर हम यहाँ से बात करें तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक ट्रायंगल में फंसता हुआ प्राइस दिख रहा है, एक डब्लू पैटर्न का सा आकार बनता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। संभावना है कि ये नेकलाइन अगर ब्रेक हुई तो आपको एंट्री लेने का मौका मिल सकता है और आप एंट्री भी ले पाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट का मतलब है 3,300 रुपए के लेवल के आसपास का लेवल आपके लिए बाइंग का बन सकता है और टारगेट आपको समथिंग 3,500 का फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये दो स्थिति है इस प्राइस में, स्टॉक में। अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी और इंट्राडे की वीडियो को देखना ना भूलें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।